जल्दी क्वेश्चन करो एकदम ठीक है, ये वीडियो पॉज करो और देखो सॉल्व करो होता है। कहता है कि एक बुलेट है और एक गन है, बुलेट गन सिस्टम है फायर्ड। अब मैं पूरा गन तो बनाऊंगा नहीं, ठीक है, चलो एक गन बनाते हैं। यहां पर एक ट्रिगर है। कहता है बुलेट इज फायर फ्रॉम द गन, फोर्स एक्टिंग ऑन बुलेट। फोर्स जो है, जो बुलेट है इसमें एक बुलेट बना दो, तो बुलेट जो है वो फोर्स, इसमें जो बुलेट है वो एक्चुअली इधर मूव करेगी, ठीक है, और जो बुलेट है, जो बुलेट पे फोर्स लग रहा है वो टाइम का फंक्शन है। कितना है भैया, 600 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5t। दिस इज टाइम डिपेंडेंट फोर्स ऑन बुलेट। जब टाइम, व्हेन द फोर्स ऑन द बुलेट बिकेम जीरो एज सून एज लीव द बैरल, जैसे ही बैरल लीव करता है, जैसे ही बाहर जाता है बुलेट, उस पर फोर्स जीरो लग गया यार, तो अंदर में स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होगा, अंदर में उसको स्प्रिंग ऐसे धक्का दे रही होगी यार, ऐसे पुश कर रही होगी, लेकिन जैसे ही बाहर आया स्प्रिंग का उसे कॉन्टैक्ट डिस्कनेक्ट हो गया और फोर्स जीरो हो गया। भाई अगर बुलेट यहाँ था, ठीक है, तो स्प्रिंग उसको धक्का दे के फोर्स लगा के यहाँ तक तो लेके आई ना कुछ, और जैसे ही यहाँ आया वैसे ही फोर्स जीरो हो गया, ठीक है, बाहर निकला। What is the average impulse imported to the bullet? अब देखो, जब average impulse imported to the bullet, ठीक है, average impulse imported to the bullet, मतलब bullet कितना, the average, what is the average impulse imported to the bullet? Bullet पे कितना impulse लगा जो है gun के, gun ने कितना impulse लगाया, impart किया, उसको हमें निकालना है, ठीक है, चलो। तो इंपल्स कैसे निकालते हैं यार, इंपल्स निकालने का सबसे पहले देखो, जब टाइम जीरो था तो फोर्स कितना लग रहा था, फोर्स था 600 न्यूटन, ये क्लियर है। जब टाइम जीरो था स्प्रिंग उसको दबा के रखी थी यार, यहाँ पे एक स्प्रिंग थी और स्प्रिंग और बुलेट में आपस में फोर्स लग रहा था यहाँ, जब टाइम जीरो था। यहाँ तक आने में टाइम टी लग गया होगा तो फोर्स जीरो हो गया। तो देखते हैं कि यहाँ जब फोर्स जीरो हुआ तो वो टाइम कितना हुआ, तो 600 और माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5t, मतलब टाइम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 600 और 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ठीक है, तो ये 2 और ये आ जाएगा 3, मतलब टाइम की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड। काफ़ी कम टाइम है बट है, ठीक है, नॉन जीरो टाइम है, 3 × 10⁻³ बाद, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 3 सेकेंड बाद जो है वो फोर्स जीरो हो जाएगा। तब जब टाइम 3 × 10⁻³ हुआ तो उस वक्त फोर्स जीरो हो गया, ये हमारा लिमिट आ गया, ठीक है। एक वेरिएबल फोर्स है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इम्पल्स का क्या, इम्पल्स इम्पोर्टेड क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम dt इंटीग्रल, ये है फार्मूला ना इंपल्स का, जब वेरिएबल फोर्स होता है तो, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो टाइम t1 से टाइम t2 तक, यही हमें इंपल्स इंपोर्टेड है। अब इंपल्स इंपोर्टेड फोर्स की वैल्यू रखो, 600 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5t और ये dt, और टाइम t कितना था यार, टाइम जब जीरो था, 0 to 3 × 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड, ये। अब फाइनली जब इसको इंटीग्रेट करोगे वही इंपल्स का वैल्यू आ जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट तुम कर लेना, 600t माइनस 2 × 10 की पावर 5t² डिवाइडेड बाई 2, लिमिट डाल देना 0 to 3 × 10 की पावर माइनस 3, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेना, इधर जीरो डालोगे तो जीरो हो जाएगा, और ये टी, यहाँ टी है, यहाँ टी स्क्वायर है, और इसको वैल्यू डाल लेना, तो वैल्यू डाल लेना, ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 0.5 न्यूटन, ठीक है ना, 0.9 न्यूटन। तो ये जो है 0.9 न्यूटन, इसका सही सलूशन है, दिस इज द
वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल आफ्टर सॉल्विंग दैट इज 0.9 न्यूटन, ठीक है, ये 0.9 न्यूटन आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है, चलो।